दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल न्यू नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन यदि आप दूध के साथ करते हैं तो आपका पाचन हमेशा खराब रहेगा। दोस्तों खाने पीने का सही ज्ञान भी आपको तंदुरुस्त रख सकता है। हर फूड की अपनी अलग अलग तासीर होती है। किसी फल की ठंडी तासीर होती है तो किसी की गर्म तासीर होती है। दोस्तों आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग नेचर की चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। अलग अलग तासीर की चीज़ें एक साथ खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों दूध एक ऐसा आहार है जिसकी तासीर ठंडी होती है। इसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद करते हैं। दूध का सेवन किन चीज़ों के साथ किया जाए किन चीज़ों के साथ नहीं, इस बात की जानकारी कुछ ही लोगों को होती है। दोस्तों अगर आप रोज़ दूध का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उसके साथ किन चीज़ों को खाएँ और किन चीज़ों से परहेज़ करें। आइए जानते हैं कि अगर हम दूध पीते हैं तो किन किन खाद्य पदार्थों से परहेज कर सकते हैं। दोस्तों दूध के साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। दूध में मौजूद एनिमल प्रोटीन तली भुनी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों दूध पी रहे हैं यदि आप तो फल खाने से परहेज करें। दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम्स को सोख लेता है और फलों से मिलने वाला पोषण आपके शरीर को नहीं मिल। दोस्तों यदि आप अंडा मछली और मटन खाते हैं तो दूध नहीं पिए। मांसाहारी भोजन के बाद दूध पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में पेट में जलन दर्द और उल्टी भी हो सकती है। दोस्तों दूध और दही का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। दूध और दही को एक साथ खाने से गैस एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। दही का इस्तेमाल करने के 2 से 3 घंटे बाद ही दूध का सेवन करना। अक्सर लोग दूध और केले को एक साथ खा लेते हैं लेकिन दूध और केले का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूध और केले का एक साथ सेवन करने से पेट में जलन की समस्या हो सकती है। साथ ही इससे शरीर में टॉक्सिन बनने लगते हैं और बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। दोस्तों तरबूज और दूध का एक साथ सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। तरबूज को अकेले ही खाना चाहिए। इसे किसी भी समय आप खा सकते हैं। दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।